नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनेक रोग नाशक कायाकल्प ऑयल के बारे में। जी हां दोस्तों, अनेक रोगों को नाश करने वाला कायाकल्प तेल, यह एक दिव्य चमत्कारिक तेल है दोस्तों। इससे बूढ़ा भी जवान जैसा हो जाता है, स्त्री का बांधेपन दूर होता है, मोटापा जड़ से नष्ट हो जाता है, काम शक्ति बढ़ जाती है, आयु बढ़ जाती है, रोगों से सुरक्षा होती है दोस्तों। यह बेडौल शरीर को सुंदर, सुडौल, कसा हुआ, चिकना और कांतिवान बनाता है। इससे सभी प्रकार के दुर्गंध का नाश हो जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही गुणकारी ऑयल है। बस इसे बनाने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसके बाद फायदे बहुत हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी खूबसूरती और खूबी इसकी ये है कि ये बहुत ही आसानी से बन जाता है, किसी भी डॉक्टर के पास या कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसे बनाने के लिए। ये सारे सामान जो मैं आपको बताऊँगा अभी, पंसारी की शॉप में या फिर आपको जो वैद्य हकीम होते हैं उनके पास मिल जाएगा। ये चीज़ें आप बहुत आसानी से जाकर के मार्केट से ला सकते हैं दोस्तों। आइए अब हम आप सभी को बताते हैं दोस्तों कि इस ऑयल को बनाने के लिए महत्वपूर्ण जो ज़रूरी औषधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। नोट कर लीजिए आप पेज और कलम निकाल करके। चंदन, खस, प्रियंगू, इलायची, गोरोचन, लोबान, अगर, कस्तूरी, कपूर, जावित्री, जायफल, कंकोल, सुपारी, लौंग, नली, जटामांसी, कुटरेणुका, तगर, नागरमोथा, नवीन नख, बोल, दौना, चोरक, शैलेय, एलुआ, सरल, सतवन, जाख, आंवला, अजौनी घास, पद्माख, धाय के फूल, पुंडरिक, कचूर, अपामार्ग का पंचांग, धतूरे के पत्ते। ये सारी सामग्रियां इकट्ठा कर लीजिए दोस्तों और 10-10 ग्राम, जी हाँ दोस्तों इसकी मात्रा होगी 10-10 ग्राम, ये सभी चीज़ें अलग अलग कूट लें और इसको कूटने के बाद सिलबट्टे पर आराम से पीस लें दोस्तों। सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आपको पीसना है, सब समान मात्रा में पीसने के बाद इकट्ठा कर लीजिए और इसमें 2 ग्राम केसर डाल लीजिए दोस्तों, 1 लीटर सरसों का तेल लीजिए और 1 लीटर बेल के पत्तों का रस। अब 1 लीटर शुद्ध सरसों के ऑयल में 4 लीटर पानी मिलाइए, ये सारा सामान घोट कर यानी कि मिक्स करके इसमें 1 लीटर बेल के पत्तों का रस डाल दीजिए, फिर घोटें यानी कि फिर से मिक्स कीजिए और आग पर धीमी आंच में गर्म करके सब कुछ जलाकर तेल रह जाने तक उसको उबालिए दोस्तों। जब ये उबल करके पूर्णतः केवल पानी सारा उड़ जाए और ऑयल बच जाए तब आप इसको छान करके निचोड़ लीजिए। जी हाँ दोस्तों, निचोड़िए, बेल के पत्तों को बाहर कर दीजिए और छान लीजिए उसको। ये सारी सामग्रियाँ जो हमने बताई दोस्तों, ये सारी हमने बताया पहले भी कि पंसारी की शॉप या जड़ी बूटी बेचने वालों के पास आसानी से मिल जाएंगे आपको। और इस बॉडी ऑयल का उपयोग हमने आपको बताया ही, बस आपको करना क्या है कि प्रतिदिन मालिश करके 1 घंटे बाद स्नान करना है आपको। 6 महीने प्रयोग करेंगे आप तो लाभ होगा आप सभी को दोस्तों, और 15 दिन में वैसे तो लाभ आपको नज़र आने लगेगा कि आपको इससे क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं 6 महीने तक तो आप बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं दोस्तों, आपका शरीर पुष्ट और स्वस्थ हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के और औषधियों को लेकर के जो आपके घर में उपलब्ध होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।